अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मैं आने वाली हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन आलू। चिकन आलू किस तरह और किस तरीके से बनेंगे ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को भी पार्ट स्किप मत करें। तो चलते हैं वीडियो की जानेब। जी, मैंने चिकन 2 किलो लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया है। आलू 1 किलो और आपने इसी साइज में काटने हैं जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं। प्याज 2 अदद, टमाटर 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच और इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच नमक भी शामिल किया है। सब्ज मिर्च 12 अदद, 3 खाने के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच कौरमा मसाला, 1 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर। अब सबसे पहले पुदीने मैंने 1 कप ऑयल शामिल किया है। अब मैं प्याज शामिल करूंगी और प्याज को फ्राई करूंगी। प्याज फ्राई हो चुके हैं, अब मैं चिकन शामिल करूंगी। चिकन के 1-1 पीस करके आपने शामिल करने हैं ताकि छींटे ना पड़े ऑयल की। चिकन को फ्राई कर लिए, अब मैं आलू शामिल करूंगी। अब मैं टमाटर शामिल करूंगी, ये मैंने टमाटर शामिल कर दिए हैं। अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी, ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया है। अब मैं तमाम मसालों को पानी में घोल कर शामिल करूंगी, कौरमा मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, इन सब को मैंने पानी में घोल कर शामिल किया है। अब मैं सब्ज़ मिर्च शामिल करूंगी, ये देखिए हमारे कितने मज़े का चिकन आलू तैयार हो रहा है। चिकन आलू भून चुका है, अब मैं पानी शामिल करूंगी थोड़ा सा और इसे पकाऊंगी। अब हमारा चिकन और आलू का सालन तैयार हो गया है, अब मैं इसे जीरे से गार्निश करूंगी। देखिए कितना खूबसूरत बना है। अब मैं इसे प्लेट में सर्व करके आपको दिखाऊंगी। माशाल्लाह से हमारा चिकन आलू का सालन तैयार हो गया है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और आखिर में जो वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएंगी। मुझे दीजिए इजाज़त।